जाकर लिखा, मैं नहीं आ पाऊंगा, प्रधानमंत्री ने जवाब देकर किया आमंत्रित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर सोशल मीडिया पर किसी के ट्वीट का जवाब देते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बीते रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड के महानायक अभिनेता बच्चन के ट्वीट का जवाब दिया। पीएम मोदी की ओर से किए गए इस ट्वीट को लेकर अब चर्चाएं देखिए तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को कक्ष आने का न्योता भी। रेलवे का कबाड़ बन रही सोना, 13 दिनों में रेलवे ने 67 लाख रुपए की कमाई, 20 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में रविवार को बताया कि उसके अपने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के पहले 13 दिनों में कबाड़ बेचकर 67 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। शुरू होगा सर्दी क्योंकि पहाड़ों पर हो गई है पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंचाई वाली पहाड़ी चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में हल्की बारिश के साथ ठंडक ने दस्तक दे दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का मौसम का एहसास होने लगा। राजे ने गुलाब चंद्र कटारिया से की मुलाकात, देखिए चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को सुबह अचानक असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने उदयपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार देखे गर्म हो गया और संभावना जताई जा रही है कि यह बड़े राजनीतिक कार्यक्रम का एक आह्वान है। कटारिया से बातचीत के बाद वसुंधरा राजे बांसवाड़ा के लिए रवाना। इजराइल और हमास के बीच जंग गाजा के लोगों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रही है। इजराइल लगातार गाजा पर रॉकेट अटैक कर रहा है। किसी भी समय इजराइल की सेना गाजा में घुसकर बड़ा हमला बोल सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने इजराइल और हमास से खास अपील।